यार इतनी क्यूट लड़की है, वैसे ही रील्स बनाए तब भी फेमस हो जाएगी। देखो जितनी भी ऑडियंस है ये मत समझना मैं डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ या मैं बॉडी शेम कर रहा हूँ या मैं उनके प्राइवेट पार्ट पर कुछ कमेंट कर रहा हूँ, मैं कुछ ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। वो मैम जो बना रही है मैं बस वो आपको दिखा रहा हूँ। Hi guys, welcome back to Sweet Chilies. मैं हूँ रुधीर, कैसे हैं आप लोग? Guys, आज हम लोग देखने वाले हैं नगीना सेठी की वीडियो Dream Girls of Instagram. Okay, तो Instagram की Dream Girls पर एक न्यू वीडियो नगीना सेठी की, और देखते हैं भैया इसमें क्या क्या है। वैसे Dream Girls पर और भी कई सारे रोस्टर्स ने बना चुके हैं वो भी रोस्ट, लेकिन मुझे नगीना सेठी का एक्सेंट बहुत पसंद है। उनका वो जो स्पेशल सा पंजाबी वाला एक्सेंट है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलो यार इस वीडियो को एंजॉय करते हैं और फिर उसके बाद में इसके बारे में बात करेंगे। YouTube removed your video? अपनी स्टोरी पर डालो, मुझे मेंशन करो, अपनी ड्रीम प्रिंसेस को जाकर यूट्यूब पर बहुत सारा प्यार दो, लव यू ऑल। एंड हाँ, कुछ भूल रहे हैं ना, कतई जहर लाई है था यूट्यूब। सो हुआ ऐसा कि मेरी फ्रेंड का कॉल आया, बोल रही है हमारे कॉलेज के जो असाइनमेंट है ना, अगर हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो हम लोग उसमें फिर एग्जाम नहीं दे पाएंगे, तो हम लोग जा रहे हैं अभी वैक्सीन लगवाने। मैं उमा गु वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं हम वैक्सीन। दीदी नई अंग्रेजी आंदी, दवाई कह दो, इंजेक्शन कह दो, टीका कह दो, लेकिन नहीं अपनी सस्ती ऑक्सफोर्ड तो झाड़नी झाड़नी है ना। तो गाइस हम कॉलेज जा रहे हैं, कॉलेज जाके हम वैक्सीन लगवाएंगे। तुम लोग तो बेवकूफ के बेवकूफ जो वैक्सीन लगवा रहे हो, इट्स वैक्सीन। Okay. वीडियो शुरू करने से पहले मैं तुम लोगों को बता दूं, जो मैंने स्टार्टिंग में स्क्रीनशॉट डाला है, वीडियो रिमूव कर दी यूट्यूब ने, वो सिल्की सिंह वाली वीडियो। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी मैं उनको भी बता दूं, सिल्की सिंह एक लेडी थी। हाँ ये कर लो पहले जिनका 10-12 साल का बच्चा था, ये दोनों इंस्टाग्राम पर रील्स बनाते थे। तो जो सिल्की सिंह थी वो अपने 10-12 साल के बच्चे और अपने पीछे उसका पूरा दुरुपयोग करते हुए रील पोस्ट करती थी और होलसेल में वल्गर वीडियो ऐसी पोस्ट करती थी। तब तो उनके खिलाफ एक्शन ले लिया गया और उनका इंस्टाग्राम अकाउंट भी बंद कर दिया गया, तो हमारी वीडियो भी रिमूव करवा दी। मेरे साथ अन्याय हुआ है। चलो कोई नहीं, तो आज अपन करते हैं वीडियो शुरू और आज अपन बात करने जा रहे हैं इंस्टाग्राम की ड्रीम गर्ल्स के बारे में, जिनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं लेकिन कतई डिजर्विंग नहीं है। मैं कौन होता हूँ बोलने वाला, कोई भी नहीं होता, लेकिन ये अकेला मैं नहीं बोल रहा, ये बहुत से लोग बोल रहे हैं। और आज इस वीडियो में जिन जिन लोगों के बारे में बातचीत होगी, जिन जिन लोगों के बारे में अपन वार्तालाप करेंगे, उनको अवार्ड दिया जाता है मोस्ट इरिटेटिंग पीपल ऑन इंस्टाग्राम का। ये मैं नहीं बोल रहा, ये आप लोगों के बीच में से कुछ लोगों ने मेरे को डीएम्स किए थे और बोला था इनके ऊपर बनाओ। तो करते हैं अपन वीडियो शुरू, आइए देखते हैं बैठन मजा आएगा। सबसे पहले लड़की के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनका नाम है आरती साहू। इन्होंने अपना जो इंस्टा यूजर नेम है वो रखा हुआ है ड्रीम प्रिंसेस करके कुछ। दीदी के इंस्टाग्राम पर 1.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं और 4000 पोस्ट है, जिसमें से 3500 से ऊपर पोस्ट इन्होंने सिर्फ और सिर्फ लोगों के साथ डुएट करके बनाए। समझ आ रही है, तुम स्क्रॉल कर रहे हो रील्स, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो और वहां पर तुम्हें जो भी वीडियो देखती है उसको उठाओ, उसके साथ डुएट करो और पोस्ट कर दो और वायरल हो जाओ। तेरा मेरी एक्स मेरी दुनिया थी और आपको तो पता है दुनिया कैसी है। दुनिया माधरचोद थी, माधरचोद है, माधरचोद रहेगी। तो दीदी उसी दुनिया में तुम भी आती हो क्या? सब मैकडॉनल्ड वाले अंकल वाले लिफ्ट लेके तो लगी पड़ी है। दीदी के हिसाब से दीदी का बहुत फेमस डायलॉग है जिसको ये बोलती हैं, कतई जहर। एक नॉर्मल टोन में, एक लहजे में अगर अपन बोलें कतई जहर, बस वहां पे बात खत्म हो जाती है। लेकिन नहीं, दीदी जिस वे से बोलती है ना वो इंटरेस्टिंग है जरा देख के। इतना मेरे से भूल नहीं खुलता, नहीं तो इसमें और मेरे में फर्क क्या रह जाता। देखा पूरा दोबारा पीछे करके काटते ही जे। ओ बिजली तक तो ठीक था, कैसे भी करके बंदा बर्दाश्त कर लेता। इस वीडियो में क्या था, उसने तो रुमाल को ऐसे किया और ये कह रही है सपोर्ट हिम गाइस, कतई जहर कतई जी।
बहुत इरिटेटिंग है, बहुत ज्यादा है मां माता जी, बहुत इरिटेटिंग है ये लड़की, बहुत ज्यादा इरिटेटिंग है। और कभी भी तुम Instagram पर रील स्क्रॉल कर लो ना, हर 3-4 वीडियो के बाद ना इसकी एक रील आनी ही आनी होती है। और मैं कसम से बता रहा हूं, मेरे पे नहीं है कि ना जाके इसका Instagram अकाउंट खोलो, वहां पर रेड टॉप में इसने एक दिन में 70 वीडियोस पोस्ट किए, मैंने गिनी है, नहीं यकीन होता, जाके Instagram अकाउंट देख लो, 70 वीडियोस इस बंदी ने लाल टॉप में पोस्ट कर दी। सारा दिन वेली बैठेगी ऐसे स्क्रॉल कर रही है, 40 रुपए वाला हेडफोन घुसाएगी मुंह के पास लाके कट्टा लीजिए, और दीदी मैं घंटा कोई टैलेंट नहीं, वो तो मेरे अबे यार चलो, जब मैं ये सरते मार रहा था ना, जब इसकी मैं ये रील्स वगैरह इकट्ठी कर रहा था, मेंटली डिस्टर्ब हो गया था, मैं पागल हो गया था, और मैं अकेला तुम भी हो। अब मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे चाहे, सही बात है, लव योरसेल्फ पता ही चल, जुत्ती लव मेरी जुत्ती कितने कितने जुत्ती मेरी भाई ये दीदी चप्पलों के साथ डांडिया खेलूंगा, मेरे हेडफोन का हेडफोन नहीं है, मेरे हेडफोन ढूंढो, आई एम सुपर रिच, मेरे पास एयरपॉड्स है, चलो मैं तारे लेके क्यों बैठा रहा हूं, मैं एयरपॉड लगा के बोलूंगा कतई जैर कतई जैर, बाहर अगर किसी ने ऐसे आवाज सुन ली ना कतई जैर, उसे कहना पता नहीं कमरे से की करी जाता है। दीदी ने जितने भी डुएट्स किए ना, मतलब वैसे तो सारे डुएट्स हैं, पर जितने भी डुएट्स किए ना, नीचे एक ही चीज लिखी हुई है, फॉलो मी फॉर डुएट, ठीक है। और जिसके साथ डुएट बनाती है उसको तो घंटा कोई टैग नहीं करती, कैप्शन में खुद को ही टैग कर लेती है लिख के, ये क्या है आगे आरती साहू टैग करके, आगे स्वा पड़ता है, पहले ये देखो इन्होंने मेरे साथ भी डुएट किया हुआ है। हो जाता कभी कभी। तो नेक्स्ट अपन बात करने जा रहे हैं ऑफिशियल ड्रीम गर्ल के बारे में, यू नो ऑफिशियल ड्रीम गर्ल, इनका रियल नेम है मीनाक्षी दे, इनके इंस्टाग्राम पर 1.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं, और ये टिकटॉक पे भी थी, और टिकटॉक पे भी इनके काफी मिलियन फॉलोअर्स थे, इन्होंने अपनी बायो में बकायदा इन्फ्लुएंजर लिखा हुआ है, तो देखते हैं क्या इन्फ्लुएंस करती है ये। Listen to me now. वीडियो में बाकी सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एंड में ये पाइस जैसा एक्सप्रेशन क्यों दे दिया, ठीक है वीडियो में मेरे को पता आपको सेडक्शन लेके आनी थी, और होंठ चबाने से सेडक्शन आई भी, लेकिन टुई का क्या प्रयोग है। इन मोहतरमा के इंस्टाग्राम पर ऑलमोस्ट 1300 पोस्ट है, जिनमें से 1000 पोस्ट इनकी डुएट्स पे ही होंगी, बहुत कोई भी वीडियो, मतलब कैसी भी वीडियो, चाहे वो सैड हो, एंग्री हो, एक्टिंग हो, एक्सप्रेशंस हो, या छपरीबादी हो, चाहे वल्गर हो, चाहे कॉमेडी हो, कोई तरह का भी, किसी तरह की भी रील हो, इन्होंने जब डुएट करना एक तरह के एक्सप्रेशन ही दे रहे हैं। जब मेरे साथ थी वो मेरी खास थी वो, मेरी शूटर मेरा नशा मेरी खास थी वो, ये कैसा एक्सप्रेशन है यार, कव्वाली वो दिखती माधुरी जब पहने वो सा। इनके इंस्टाग्राम पर मेरे को कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग मिला नहीं, इसलिए ना मैंने कोई ज्यादा रील्स वगैरह ली, ना मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा, क्योंकि हर वीडियो में एक जैसे एक्सप्रेशन है, तुम लोग भी बोर हो जाओ। और वैसे भी जिनके बारे में अब मैं बात करने जा रहा हूँ, जो थर्ड नंबर पर लड़की है, इनकी तरफ मेरा ज्यादा इंटरेस्ट है। इनका नाम है नेहा सिंह, इनके भी 1.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं। आते कहां से हैं ये मैं बता दूं, रात को 11 बजे के बाद जो लाइटें लूटे बंद करके होंठ चबाने वाली फिल्में देखते हैं ना, ये रामखोर ठरक से भरे पड़े होते हैं, ऐसे लोग ही इन लोगों को फॉलो करते हैं। ये कसूर इन लड़कियों का या वो लड़कों का नहीं है जो बेफालतू में बकवास वीडियोस बनाते हैं, कसूर होता है ऑडियंस का जो इन लोगों को अप्रिशिएट करते हैं, इनको लगता है लड़की चलो फॉलो करते हैं, मैसेज करते हैं, चैटिंग करेंगे, सेट करेंगे, अच्छे अपना भूथा ऐसा होता है जैसे घुटने पे चोट लगी होती है, लेकिन लड़की चाहिए ड्रीम गर्ल्स, ओह माय गॉड ट्रू लव। हां जी, तो वीडियो में बढ़ते आगे, और आपको मैं बताता हूँ नेहा सिंह के बारे में, इनकी जो स्पेशलिटी है ना वो एज रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी वीडियो, ऐसे मत कर। इन मैडम की हर वीडियो एक झटके से स्टार्ट होती है, ये है नेहा सिंह। देखो ये जितनी भी बार मैंने हंसी तुम्हें भी आई है, मेरे को भी आई है ये एडिट करते टाइम, लेकिन मैं कोई बॉडी शेम नहीं कर रहा, मैं कुछ इसमें कुछ डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, या मैं गलत नहीं बोल रहा, और मेरी कोई हेट नहीं है इनकी तरफ, लेकिन ये चाहते हैं कि हाँ मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो ये चीज देखें, तो ऑब्वियस सी बात है यार, इसको भी पता है इसने झटका क्यों मारना है, ताकि क्योंकि जितने भी ठरकी और हमसी लोग हैं ना नॉटी अमेरिका, वो तो दूर की बात है, लेकिन नॉटी पटना का जो राजू है ना, वो भी इसको देख के कुछ भी ये वल्गर गंदा छी आथू। जितनी भी मैंने इनकी रिव्यूज देखी ना, जितनी मर्जी लगा लो, सारी झटके से स्टार्ट है यार, मतलब बड़ा ही प्यारा सा गाना है, एक बहुत ही प्यारा गाना है, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी। अब यहाँ पर तो आंखों की बात होनी चाहिए ना, अब ये मैडम ने कैसे गाना स्टार्ट किया, अब वो जैसी बोलते गुलाबी आंखें, ये करती गुलाबी आंखें
मैडम जी वो आंखें कहाँ है फिड़े मुत्तरा। चलो मिस झटका का जो झटके है ना वो अपन करते हैं साइड पे, ठीक है। बाकी लोग क्या करते हैं अगर उन्होंने क्रिंज बनाना है वो क्या करते हैं, वो लिपसिंग करते हैं, वो वाहियत से कॉन्सेप्ट ढूंढ के वो थप्पड़ थप्पड़ मारने वाले सड़क पे वो करते हैं। लेकिन मैडम ने कुछ डिफरेंट सोचा, मैडम कहते नहीं हमने जो करना है ना हमने कुछ डिफरेंट करना है। तो मैडम ना सड़क पे गए ना छत पर गए ना खड़े होके वीडियो बनाई, मैडम ने लेट के बनाई। लेकिन वीडियो का मेन फोकस कहाँ है, गुलाबी आंखें ऐसे करके। यार इतनी क्यूट लड़की है, वैसे ही रील्स बनाए तब भी फेमस हो जाएगी। देखो जितनी भी ऑडियंस है ये मत समझना मैं डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ या मैं बॉडी शेम कर रहा हूँ या मैं उनके प्राइवेट पार्ट पर कुछ कमेंट कर रहा हूँ, मैं कुछ ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। वो मैम जो बना रही है मैं बस वो आपको दिखा रहा हूँ। और अगर ये वीडियो देख के या मेरी बातें सुन के तुमको ये लगता है कि यार तुम लोग ऑफेंड हो गए हो या तुम्हें ये चीज नहीं पसंद आई तो दोनों हाथों से तुम्हारे थप्पड़। जब बंदा सामने देख ही रहा है तो हाल कैसे ना पूछे। हां जी तो आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो सब्सक्राइब करो कमेंट शेयर सब कुछ करना है डिसलाइक के अलावा। और हाँ जाने से पहले एक चीज है, इन तीनों में से फर्स्ट नंबर पर कौन है, सेकंड पर कौन है और थर्ड पर इरिटेटिंग कौन है ये नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। ओके यहाँ पर यार ये वीडियो खत्म। और ये तीनों लड़कियों के जितनों की बात हुई है, ठीक है, नेहा सिंह का तो जब मैं अपने इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल करती हूँ नेहा सिंह का तो मैंने नहीं देखा, लेकिन हाँ ये दोनों लड़कियाँ ज़रूर आती हैं यार, वो आरती साहू एंड बीच वाली कौन सी थी, डे लास्ट उसका सरनेम था डे, ठीक है। और यार वो और सच में यार उसके एक्सप्रेशन ना सेकेंड वाली के एकदम सेम रहते हैं हर किसी पे, वही वैसा मतलब नहीं मतलब रहते हैं यार सेम। मैं क्या करूं मतलब यार सीरियसली, क्योंकि हर बात पे तुम बोल दोगे तो हंसी नहीं आएगी यार, कुछ तो मतलब अलग करो कुछ तो। हर वीडियो में सेम एक्सप्रेशन, अबे यार वो वीडियो देख के तुम्हें कुछ फील होता है तो उसका एक्सप्रेशन दो ना, अच्छा लग रहा है अच्छा स्माइल वाला एक्सप्रेशन दो, बुरा लग रहा है तो सैड एक्सप्रेशन दो, गुस्सा आ रहा है तो गुस्से वाला मतलब एक्सप्रेशन, वो तो अंदर से फीलिंग आती है उस चीज़ की, मतलब एक ही एक्सप्रेशन कैसे निकल आते हैं यार भाई साहब, मेरे तो नहीं निकलते, सच्ची बता रही मेरे नहीं निकलते। और मैं अगर राउंड टू हेल की देखूंगी वीडियोस या हर्ष बेनीवाल की आशीष चंचलानी की किसी की भी वीडियोस देखूंगी मेरे को हंसी आएगी, मतलब मुझे हंसी आती है, पेट पकड़ कर हंसती रहती हूँ। और जब ऐसा कोई फैक्ट वीडियो देखती हूँ तो या जैसे मतलब कुछ फूड वगैरह के बारे में जो लोग स्पॉइल कर रहे हैं उसके बारे में देखती हूँ तो मुझे गुस्सा आता है, मेरे एक्सप्रेशन वैसे ही निकलते हैं। नेचुरल एक्सप्रेशन जो होते हैं वो यार नेचुरली वैसे ही निकलते हैं जैसा आप देख रहे हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही है। सब पे कतई जय, सब पे एक ही एक्सप्रेशन वाला, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा क्या नहीं, बस वो और फॉलोअर्स देखो तो 1.8 मिलियन 1.3 मिलियन इस टाइप के, साला हमें ही डूब के मर जाना चाहिए 800 फॉलोअर लेके बैठे। अबे यार सच्ची में, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती हूँ ना ज़्यादा रील्स डालती हूँ उस पर, और पोस्ट भी कभी कभार मन किया तो हो गया या तो नहीं किया। भैया इंस्टाग्राम किस लिए होता है यार, अपना जब फ्री टाइम हुआ मन किया तो अपना स्क्रॉल कर लिया रील्स या फिर पोस्ट किसी की इंटरेस्टिंग लगी तो लाइक कर दिया कॉमेंट कर दिया, है ना। लेकिन नहीं, कुछ लोग होते हैं कि एक वो मिल गया प्लेटफॉर्म तो उस पर दिन भर लगी जाननी है भगवान यार मतलब कितना फ्री रहते हैं यार, कितना वेले लोग रहते हैं। चलो यार यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म करते हैं, मुझे रोस्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि कैसा लगा वीडियो और रिएक्शन कैसे लगे मेरे, ठीक है। मेरा रिएक्शन सेम था या फिर अलग अलग सा था तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।